Hi Ankana. Hi, thank you so much. क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, just winding up my work, getting done with the day, फिर घर आराम. वही, घर नहीं जाना. क्यों? इसलिए मैं आया हूँ. There's a puja at my place from today for the next 3 days, and you have to come. No excuses. Puja? Yeah. यार प्रितेश, I'm so sorry, but I won't be able to make it. But why? Like, are you busy or something? कोई और plans है? No. It's the biggest problem. What? अरे बाबा, it's that time of the month. Oh, you mean you're menstruating? So why don't you just say it straightforward? I mean, you know it's completely normal, right? You can come, it's okay. क्या बात कर रहे हो यार प्रितेश? बचपन से हमने यही देखा है, हमने यही सीखा है कि इन दिनों कहीं भी मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, और अगर बड़ों की बात सुने तो हम ideally not even supposed to take a shower till the third day. So Ankana, are you serious? I mean, okay, for that I think first we all need to realize what exactly menstrual cycle is. Menstrual cycle, ये एक completely natural तरीका है जिसमें a woman's body prepares itself every month to receive a fertilized egg. ये बिल्कुल भी नेचुरल है, बिल्कुल भी नॉर्मल है. इतना नॉर्मल जैसे कि खाना खाना या वॉशरूम जाना. मेंस्ट्रुअल साइकिल ये ना सिर्फ इंसान बट जानवरों में भी देखी जाती है. सो इट इज कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली नेचुरल एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट माय क्वेश्चन इज दैट यू नो हाउ ऑल दीज मिथ्स या ये सारे जो अंधविश्वास है, ये सारे जो बिलीव्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के अराउंड, ये स्टार्ट कैसे हुआ? Let me tell you with that, let me help you out. पुराने समय में लोगों के घरों में वॉशरूम्स और टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से अपने सारे काम करने के लिए, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, अपने कैटल्स को नहलाना, इन सारे चीजों के लिए सारे गांव वाले आसपास के नदी या फिर लेक्स पर जाया करते थे. Naturally, all of these activities would have also polluted or sometimes contaminated the water over there. तो श्योर हाइजीन फैक्टर्स की वजह से औरतों को वहां पर जाने के लिए मना किया जाता था, विच काइंड ऑफ लेड टू द सुपरस्टिशन ऑफ नॉट टेकिंग शावर्स ड्यूरिंग पीरियड्स. क्योंकि इस वक्त औरत की बॉडी जो है थोड़ी वीक हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती है, एंड नेचुरली गेट्स ससेप्टेबल टू सर्टेन इन्फेक्शंस. रही बात जहां तक किचन में ना जाने की, पूजा ना करने की, मंदिर ना जाने की, ये बहुत सिंपल है यार. द आइडिया बिहाइंड दैट वाज to give proper rest to the mind and the body of the female, जो पहले से ही काफी fatigued थी, weak थी, and tired because of the entire blood loss that she was going through. Okay, so all these measures were actually taken for the woman to just chill and relax. Exactly, and who knew कि आगे चलके हमारे लिए ही इतनी बड़ी punishment बन जाएगी. Right, so kiddos, periods, sanitary pads, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल खुलकर बात करें. इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर, हेल्थियर एंड एन अवेयर प्लेस. कीप इम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू.